किसकी बात कर रही हो? नहीं ये लाइबा तो नहीं, ये लाइबा नहीं। आवाज आ रही है मैम? ये बाकियों के माइक म्यूट करें, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा।
जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पेशेंट सेफ्टी का लेक्चर नंबर 5 है. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों के क्या टॉपिक्स थे? एनीवन? मैम, हमने स्टेप्स पढ़े थे, टीम स्टेप्स पढ़े थे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन वाले, जिसमें कंटिजेंसी और कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सारा आ रहा था. जी जी, हमने लास्ट टाइम बेसिकली पढ़ा था कि आप जो हमारा टॉपिक का नेम था वो था बीइंग एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, कि आप एक इफेक्टिव टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं. उसमें टीम की फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टीम की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका जो हम लोगों ने एक मल्टी टीम सिस्टम भी पढ़ा था. ठीक है, पेशेंट केयर के लिए कि क्या होता है, जिसमें आपके पास एक कोर टीम होती है, कॉन्टिजेंसी टीम होती है जो कि आपकी इमरजेंसी की टीम होती है, फिर जो कोऑपरेटिंग टीम और जो एंसिलरी लोग होते हैं आपके पास वो हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, और फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है. ठीक है जी, टीम से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी. उसके बाद जी हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे कुछ हेल्थ केयर सिस्टम के. ठीक है जी, उसमें हम लोगों ने देखा था एक इंडिपेंडेंट मॉडल होता है, एक हम लोग पास पैरेलल मॉडल है, एक कंसल्टेटिव मॉडल है, इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेटिव मॉडल है. ठीक है, ये कुछ मॉडल्स है. अगर ये आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इनको थोड़ा सा सीरियस लें और अपने लेक्चर्स खोल कर इनको देखें, इनको पढ़ें इन चीज़ों को. फिर जब आप एकदम पढ़ने के लिए बैठेंगे उस टाइम ये आप लोगों को समझ नहीं आएंगे. ठीक है, तो साथ साथ एटलीस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद ही एक दफा 5-7 मिनट लगा के उसको गो थ्रू कर लिया करें, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं उनको नोट कर लिया करें कि बात किससे रिलेटेड हो रही है. ठीक है जी, आज का जो हम लोगों का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, ये बेसिकली हम लोगों का है एरर्स के ऊपर. ठीक है जी, मैं एक मिनट आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. हम लोगों का जो अब लेक्चर नंबर 5 है वो है एरर्स के ऊपर. ठीक है, कि एरर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है अपने पिछले लेक्चर्स में भी, हम बल्कि अभी तक पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड हम हमेशा एक ही चीज पढ़ते रहे हैं कि हमने इसमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है इसको पढ़ने में. हमारा गोल ये है कि हमने पेशेंट से रिलेटेड जो भी हमारे से गलतियां हो रही हैं, एरर्स हो रही हैं, उनको रिड्यूस करना है ताकि उनके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो कम से कम हो सकें. ठीक है जी, अब ये एरर्स बेसिकली होती क्या हैं और ये कितने टाइप की होती हैं, कुछ टर्म्स हैं एरर्स से रिलेटेड, ठीक है, जिनको हम लोगों ने देखना है. सबसे पहले अब हमारे पास जो हमारे लेक्चर की आज की आउटलाइन है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग एरर्स, लर्निंग फ्रॉम एरर्स, एरर अंडरस्टैंड हमने करना है कि एरर्स होती क्या हैं, उनके कुछ टर्म्स हैं उनको देखना है. एरर्स से आप लर्न कैसे कर सकते हो, आप अपनी गलतियों से सीख कैसे सकते हो, वो हम लोगों ने देखना है. व्हाट इज एरर, वायलेशन क्या होती है, नियर मिस, हिंडसाइड बायस, ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों ने देखनी है. फिर हमारे पास एनी फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग टू एरर्स, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एरर्स कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं. RCA मॉडल क्या है, इसको हम लोगों ने देखना है जी. फिर हमने देखना है कि जो क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरह से होती है, वो क्या चीज़ है और इसको आप कैसे अपने इस्तेमाल में लेकर आते हो. अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स, स्लाइड्स चेंज हो रही है, नजर आ रहा है सबको, क्लियर है? यस मैम, यस मैम. ठीक है जी, अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो है एरर्स नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या है एरर से रिलेटेड, और हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है. नॉलेज रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, हमारे पास जो कुछ टर्म्स हैं, एरर हो गई, वायलेशन हो गई, नियर मिस हो गई, हिंट्स एंड बायस हो गई, इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये होती क्या है. ठीक है जी, फिर हमारे पास परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में क्या है कि नो द वेज टू लर्न फ्रॉम एरर्स, कि आपको आप अपनी एरर से सीख कैसे सकते हैं, गलतियों से आप सीख कैसे सकते हैं, आपको वो तरीके आने चाहिए. पार्टिसिपेट इन एन एनालिसिस ऑफ एन एडवर्स इवेंट, के अगर कोई एडवर्स इवेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई एरर हो गई है, तो उसके बाद आप उसको एनालाइज कैसे कर सकते हो, उसकी एनालिसिस में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, ताकि वो इस तरह की जो भी गलती एक दफा हो गई है वो दोबारा ना आपसे हो, आप लोगों ने वो चीजें देखनी है. फिर प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एरर्स, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज जिनको आप अप्लाई करके एरर्स जो हैं, जो गलतियां हैं, आप उनको रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है जी, अब हमारे पास चीज आती है व्हाट इज एरर. एरर होती क्या है, व्हेन समवन इज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग बट एक्चुअली डज द रॉन्ग थिंग, के अगर कोई बंदा कोई सीधा काम करने जा रहा है बट एक्चुअली डज द रॉन्ग थिंग, लेकिन उससे वो काम गलत हो गया, वो उस केस में हमारे पास गलती हो जाती है.
planned sequence of mental or physical activities that fail to achieve their intended outcomes. When these failures cannot be attributed to the intervention of some chance agency. अब इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि ऐसा कोई आप लोगों ने हम लोगों ने ऐसा सीक्वेंस था, प्लान्ड हमारे पास सीक्वेंस था कोई भी मेंटल एक्टिविटीज का, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज का, हम ये करना चाहते थे, हमने ये सोचा कि इस तरह इसको करना चाहिए, इसको इस तरह होना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंटेंडेड आउटकम्स थे वो हमें अचीव नहीं हुए, ठीक है जी। और ये क्या है कि अब ये जो फेलियर्स हमारे पास आ गई हैं, इनको आप वो सारी फेलियर्स जो हैं वो किस वजह से आई हैं, उन चीजों को हम लोगों ने देखना है, और किस वजह से हमारे पास जो हमारे इंटेंडेड आउटकम्स है, यानी हम जो चाह रहे थे, जो हम हमारी हमारा गोल्स आ गई हमें अचीव होना चाहिए, वो हमें नहीं अचीव हुआ, ठीक है जी। वायलेशन अब क्या है? वायलेशन की टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है? वायलेशन आर एरर्स कॉज्ड बाय अ डिलिबरेट डिविएशन फ्रॉम एन एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑफ केयर। वायलेशन अब क्या होती है? वायलेशन से मुराद ये है कि अब जैसे हमारे पास ट्रैफिक वायलेशन होती है, वायलेशन क्या होती है कि हमारे पास एक एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, एक सेट प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है हमारे पास कि हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ट्रैफिक के हमारे पास सेट रूल्स हैं, सेट रेगुलेशन है कि आपने इनको फॉलो करना है। जब आप उनको फॉलो नहीं करते, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, जब आप सिग्नल तोड़ते हैं, उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारे से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन हो गई है। तो वायलेशन का जनरल मीनिंग भी यही है हमारे पास कि आपके पास डिलिबरेट डिविएशन है, यानी आप अपनी मर्जी से जो है वो एक तरह से उसको वायलेट कर रहे हो। जो भी आपके पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है या स्टैंडर्ड ऑफ केयर है या एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, आप उसको वायलेट कर रहे हो। हिंट साइड बायस क्या है? Psychological phenomena that allows people to convince themselves after an event that they had accurately predicted it before it happened. अब ये हमारे पास एक psychological phenomena है, इसको know it all phenomena भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है ना, या लोगों की कुछ psyche इस तरह की होती है, लोग बात कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो गया है, कोई भी एडवर्स इवेंट हो गया है, कोई भी गलती हो गई है, अब ये क्या करेंगे, ये लोगों के दरमियान में, यानी कुछ उनका माइंड सेट इस तरह का होता है, उनकी थिंकिंग इस तरह की होती है कि कुछ भी गलत होगा तो बाद में यही कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था ये होना है, मुझे तो पता था कि ऐसे ही होगा। अब जैसे क्रिकेट मैचेस होते हैं, उसमें कोई टीम हार रही है, कोई जीत रही है, तो उसमें जो टीम हार रही है, अब कुछ लोग जो है वो इस चीज पे, मतलब हारने वाली टीम को पहले ये नहीं कह देते, जब रिजल्ट आ जाता है उस टाइम पे कहते हैं नहीं, मैच खत्म होगा उस टाइम पे कह देते हैं मुझे तो पहले ही पता था इस टीम ने हारना है, ठीक है जी। इस तरह के जो लोगों का माइंडसेट है, जो ये कोई भी काम गलत होने के बाद नेगेटिव थॉट्स रखना, ये कहते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था ये काम तो सीधा हो ही नहीं सकता, ये तो होना ही गलत है, ठीक है जी। तो ये वाली जो आपके पास एक फिनोमेना आता है, इसको हिंट साइड बायस कहते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ ये क्या चीज है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना है दैट अलाउज पीपल टू कन्विंस देमसेल्फ after an event that they had accurately predicted it before it happened, yani ke log isko jo hai accurately predict kar dete hain before it happened, yani uske hone se pehle ya even hone ke baad bhi, ke mujhe to pata hai ki hona hi aise hai, ye to hoga hi aise, is tarah se unke paas nuksan kya aata hai? Nuksan ye aata hai ki is tarah ke log jo bhi galtiyan hone wali hain ya ho sakti hain ya ho chuki hain, inko analyze hi nahi karte, ye dekhte hi nahi hai, ye unke bare mein sochte hi nahi hai ki galti agar hui hai to kyon hui hai, सिर्फ ये कह देना किसी चीज को कि मुझे तो पता था ये तो होना ही गलत है, ये इंतहाई गलत अप्रोच है। आप उस चीज के बारे में सोचो, आप ये सोचो कि अगर ये गलती, अगर चलो ठीक है होनी तो थी, लेकिन आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली साइड पर चली जाती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को पहले ही ये कह दो कि मुझे पता ये होना ही ऐसे है, और फिर आप उस चीज के बारे में कोई थिंकिंग प्रोसेस आपका नहीं चल रहा, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप उसको ठीक करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप एनालाइज ही नहीं कर रहे बेसिकली, तो ये वाला जो सारा फैक्टर है बेसिकली किस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ये आपका हिंट साइड बायस है। नियर मिस क्या है? एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन दैट कुड हैव हार्म द पेशेंट बट डिड नॉट कॉज हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ चांस प्रिवेंशन और मिटिगेशन। अब आपके पास क्या है कि आपके पास नियर मिस में क्या होता है कि कोई भी इस तरह का आपका एक्ट है, कमीशन का या ओमिशन का, जो के पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि किसी ना किसी, ये समझ लें अगर थोड़े से जनरल टर्म में बात करें, आपके को नेकी काम आ गई कि वो पेशेंट को उस तरह से नुकसान हुआ, ठीक है जी, तो ये वाली जो चीज है आपकी वो नियर मिस में आ जाती है। नेक्स्ट अब आपके पास है जी, हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट इज प्रॉब्लमेटिक। हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट जो है अब आपके पास, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि जब हेल्थ केयर से रिलेटेड आपके पास जब भी एरर्स होती हैं, वर्क प्लेस पे जब भी होती हैं, वो उसका नुकसान हमेशा आपके पेशेंट को उठाना पड़ता है। वो नुकसान डिपेंड करता है कि आपसे गलती किस नौयत की हुई है, किस सिवेरिटी की हुई है, उसका नुकसान हमेशा पेशेंट को उठाना पड़ता है।
ठीक है जी। ये इस चीज के अलावा बाकी जो एरर्स हैं और जो मेडिकल एरर्स हैं वो तकरीबन बराबर है। मेडिकल एरर्स में थोड़ा सा फर्क कहाँ पे आता है कि जो नुकसान होता है वो आपके पेशेंट को उठाना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी अपने दिमाग में रखने वाली हैं, बिठाने वाली हैं कि आपका जो एरर है, जो आपकी गलती है, जो आपकी प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी हो सकता है, वो किसी और बंदे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगली चीज आती है इंक्रीज रिस्क ऑफ एरर, कि हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास एरर्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ, इसमें से एक ये है कि अनफेमिलियरिटी विद द टास्क, आपका टास्क आप उसे फेमिलियर नहीं हो, आपको नहीं पता। जैसे हम लोगों ने पहले पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि इक्विपमेंट आपको यूज नहीं करना आता, आपको पता नहीं है कि आप करने के आए हो किसी जगह पे, उस चीज में भी आपके पास जो है वो रिस्क ऑफ एरर जो है बढ़ जाता है। इनएक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको नहीं पता, आपको कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करना आ रहा, तो उन केसेस में भी आपके पास जो है वो रिस्क ऑफ एरर इंक्रीज कर जाता है। शॉर्टेज ऑफ टाइम है, टाइम आपके पास कम है। इनएडिक्वेट चेकिंग है, आपके पास प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर इक्विपमेंट्स की बात करते हो तो आपने उनको चेक नहीं किया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कोई उनके काम में कोई गलती तो नहीं आ रही वहां, उस साइड से तो कोई एरर नहीं है। चेकिंग नहीं है आपके ऊपर, चेकिंग नहीं है, आपने आगे चेकिंग नहीं रखी हुई, इस वजह से आपके पास एरर्स इंक्रीज कर सकती हैं, और आपके पास पूर प्रोसीजर्स की वजह से भी रिस्क ऑफ एरर जो है वो इंक्रीज कर सकता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन से हैं दैट प्रीडिस्पोज टू एरर्स? इंडिविजुअल फैक्टर्स यानी कि जो कि किसी भी एक बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो कौन से हैं? लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी, कि आपकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, ये हम सबको पता है कि लिमिटेड है, लेकिन इसको अब आपने अपने यूज के लिए या इसको आप समझ लो कि आपने स्मार्टली इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, स्मार्टली आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप एक क्लिनिकल सेटिंग में हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज और ये पॉइंट्स और ये चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने हर हालत में याद रखने की कोशिश करनी है। अपनी मेमोरी कैपेसिटी को आप इसी तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है जी। फर्दर रिड्यूस बाय फटीग, स्ट्रेस, हंगर, इलनेस, लैंग्वेज और कल्चरल फैक्टर्स या हैजर्डस एटीट्यूड। अब इसमें आपके पास क्या है कि लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी तो है आपकी, अब इसमें जो फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो मजीद रिड्यूस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, वो अब आपके पास फटीग है, आप थके हुए हो, आपको चीज़ें नहीं याद रह रही हैं, स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन है, बहुत पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है आपको, तब आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या काम सही से कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। हंगर है, भूखे हो आप, आपने रात से नहीं खाया, सुबह भी आपको टाइम नहीं मिला, अगले दिन शाम हो गई है, आपको खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा बीच में, तब आपके पास ऐसी गलतियां हो सकती हैं। इलनेस है, आप बीमार हो, आप खुद ठीक नहीं हो, तो आप किसी दूसरे को कैसे ठीक कर सकते हो। फिर लैंग्वेज है, ये कल्चरल फैक्टर्स हैं, अगर आपका पेशेंट है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं बीच में या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो आप तब उससे जो है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप उसको गाइड नहीं कर सकते हो, पेशेंट को नहीं गाइड कर सकते हो कि उसके साथ क्या होने वाला है, उस टाइम पे गलतियां आपसे हो सकती हैं, या कोई भी अगर हैज़र्डस एटीट्यूड किसी भी तरह के हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डोंट फॉरगेट इफ यू आर हॉल्ट, हॉल्ट का क्या मतलब है कि आपने ये नहीं भूला है कि अगर आप हंगरी हैं, अगर आप एंग्री हैं, लेट हैं या टायर्ड हैं, ये वाली सारी जो आपके पास चार पॉइंट्स हैं, हॉल्ट यानी HALT, ये आपके पास आपकी एरर्स को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। हंगरी, एंग्री, लेट एंड टायर्ड, ये सारी जो चार चीजें हैं, ये वैसे आजकल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये सारी जो है ये आपकी जो भी आपकी एरर के जो रिस्क हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। चेकलिस्ट क्या है कि आपको कैसे पता होना चाहिए कि आप काम करने के काबिल हैं आज के दिन में या नहीं है, उसमें क्या है कि आपने आई एम सेफ जो है एक चेकलिस्ट है, इसको आपने देखना है। आई से जी आपके पास बनता है इलनेस, एम से है जी मेडिकेशन, आप किसी मेडिकेशन के अंडर तो नहीं है, किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्टेड है, स्ट्रेस में है, अल्कोहल अब्यूज है, ये है हमारे यहाँ पे तो नहीं हो सकती, इसके अलावा फटीग है या इमोशंस है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने इसको एक दफा गो थ्रू करना है कि उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एम आई सेफ टू वर्क टुडे, कि मैं आप काम करने के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, कि मतलब मुझे कोई ऐसी इलनेस तो नहीं है, मैं किसी मेडिकेशन के अंदर तो नहीं हूँ, मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो सकता, स्ट्रेस में हो नहीं हूँ, किसी और मेडिकेशन के अंदर, फटीग में नहीं हूँ, थका हुआ नहीं हूँ, या अगर किसी भी तरह के आप इमोशनली डिस्टर्ब हो उस टाइम पे भी आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो सकती जैसे कि होनी चाहिए। हाउ टू लर्न फ्रॉम एरर्स, एरर्स आप सीख कैसे सकते हो? इंसिडेंट रिपोर्टिंग है और आपके पास रिमूविंग एरर ट्रैप्स हैं, ठीक है जी। इंसिडेंट रिपोर्टिंग क्या है कि इसमें आपके पास बेसिकली क्या होगा कि जो भी आपके पास गलतियां हुई हैं उनको एक तो उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना, ये बात नहीं कि सिर्फ आपसे गलतियां हुई हैं, किसी और से नहीं हुई, किसी की भी गलतियां हैं आप उनको देखो, उनकी रिपोर्ट्स को देखो, देखो कि वो किस तरह से जो है वो हुई हैं, उनको किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, किस तरह से उनको रिड्यूस कर सकते हो, और जो भी एरर ट्रैप्स हैं आपके पास उनको आपने रिमूव करना है। एरर ट्रैप्स से मुराद ये है कि अगर कुछ गलतियां रिपीटेडली हो रही हैं, आप उनको देखो कि अच्छा ये बार बार एक ही पॉइंट पे जाके हो रही है, तो वो पॉइंट कैसा है जिसको आप, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है जी।
फिर हमारे पास मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज आती हैं. मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज में हमारे पास एनोनिमस रिपोर्टिंग है, टाइमली फीडबैक है. एनोनिमस रिपोर्टिंग ये कि आपको नहीं पता कि गलती किससे हुई है और किसने की है, लेकिन रिपोर्ट होनी चाहिए. आप खुद भी एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो, किसी और की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो. टाइमली फीडबैक कि जो भी गलती हुई है उसके ऊपर टाइमली फीडबैक मिलना चाहिए कि गलती इस वजह से हुई थी और इसको इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते थे. ओपन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसिडेंट रिपोर्टिंग. अब आपके पास क्या है कि जो जो भी आपके पास इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग से, उनके एक्नॉलेजमेंट से आपके पास जो है वो हो सकता है कि आपको फायदा भी हो जाए. ये चीजें आप लोगों ने देखनी है. रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिसेस, जो भी नियर मिस है आपने उसको भी रिपोर्ट करना है. उसको रिपोर्ट करेंगे तो नियर मिस के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि नियर मिस ये है कि पेशेंट को हार्म कर सकते हैं लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं उस तरह से कर पाते. लेकिन कोई पता नहीं, अगर आप एक दफा बच गए, एक दफा वो नियर मिस हो गया, हो सकता है अगली दफा वो वाकई एरर हो जाए, अगली दफा वो वाकई पेशेंट को नुकसान पहुंचाए, तो उस तरह की चीजों को आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हो. Free lessons can be learned, system improvements can be instituted as a result of the investigation, but at no cost to a patient. System improvements जो हैं आप उनको investigations के बाद improvement आपने system में कर सकते हो, लेकिन system में improvements करने का ये मतलब नहीं है कि इस चीज़ से भी patient को कोई ना कोई नुकसान हो. ठीक है जी, कुछ ये चीज़ें हैं. अब हमने पढ़ा था कि हम एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, वो है RCA. RCA क्या है बेसिकली? RCA है आपके पास रूट कॉज एनालिसिस. रूट कॉज एनालिसिस क्या है? इट इज अ टूल टू हेल्प हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस रिट्रोस्पेक्टिवली स्टडी इवेंट्स वेयर पेशेंट हार्म और अनडिजायर्ड आउटकम्स अकर्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द रूट कॉजेस. अब इसमें आपके पास क्या है बेसिकली? एक टूल है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए, रूट कॉज एनालिसिस, जिसमें बेसिकली क्या देखना है कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी एरर्स इस तरह की हुई हैं, जो भी अनडिजायर्ड आउटकम्स हुए हैं, उनको देखने के लिए उनके जो रूट कॉजेस हैं, आप सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो और उनको एड्रेस करो. By understanding the root cause of an event, we can improve patient safety by preventing future harm. अगर जब हम root cause को जो भी हमारे पास है किसी भी event का उसको understand कर लेंगे, उसको हम समझ लेंगे कि वो क्या हो रहा है, उसको identify कर लेंगे, तो हम जो है patient safety को improve कर सकते हैं future के लिए. अच्छा जी, rigorous confidential approach to answering what happened. हुआ क्या था? Why did it happen? ये हुआ क्यों था? What are we going to do to prevent it from happening again? हम ऐसे कौन से measures लेंगे ताकि हमारे पास जो भी गलती हुई है ये दोबारा ना हो? और how will we know that our actions improve patient safety? और हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने इस तरह के जो भी measures लिए थे जिनसे patient safety जो है वो हम चाह रहे थे कि increase हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे actions की वजह से वाकई वो patient safety उस तरह से improve हुई है कि नहीं? ये चीज़ आपके timely feedback में आ जाएगी. ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये रूट कॉज एनालिसिस है. नाम से पता चल रहा है बेसिकली आप में जो भी एरर्स हो रही हैं आपने उनके रूट कॉज के बारे में देखना है कि ये क्यों हो रही है. RCA मॉडल फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, नॉट ब्लेम और पनिशमेंट. RCA मॉडल काम किसके ऊपर करे? ये काम कर रहा है प्रिवेंशन के ऊपर. ब्लेमिंग कल्चर की तरफ हम नहीं जा रहे, पनिशमेंट की तरफ हम नहीं जा रहे. हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम सिर्फ प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं कि एक दफा अगर गलती हो गई तो वो दोबारा ना हो. फोकसेस ऑन सिस्टम लेवल वल्नरेबिलिटीज रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. आप जो रूट कॉज एनालिसिस है हमारे पास, ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक लेवल पे काम करे, सिस्टम के लेवल पे काम करे, ये इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं कर रहा. ठीक है जी, ये सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज हैं वो देख रहा है, सिस्टम की कमजोरियों को देख रहा है, उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है ये देख रहा है. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ये फोकस नहीं कर रहा. ठीक है जी, इंडिविजुअल मिलकर ही आपके पास एक सिस्टम बनाते हैं, लेकिन सिस्टम की जो सारी जिस तरह की भी इस तरह के प्रॉब्लम्स है उनका एनालिसिस जो हमारे पास रूट कॉज एनालिसिस है. ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है. फिर है जी पर्सनल एरर रिडक्शन स्ट्रेटजीज. पर्सनल एरर्स जो हैं उनको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है कि नो योर सेल्फ. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए. वो जो आई एम सेफ वाली जो चीज़ थी वो आप लोगों को याद रखनी चाहिए जी, कि ईट वेल, स्लीप वेल, लुक आफ्टर योर सेल्फ, नो योर एनवायरमेंट. आपको पता होना चाहिए कि आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, आपके आस पास चीज़ें कौन सी हैं, इक्विपमेंट कौन सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए. नो योर टास्क, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जॉब क्या है. प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, वॉट इफ वाली सिचुएशन भी आपके जहन में होनी चाहिए. कोई भी आपने काम करना है, कोई भी आपका टास्क है, उससे करने से पहले उसका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. और साथ साथ एक थोड़ा सा आपके माइंड में ये भी चलना चाहिए कि अगर ये गलती हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि गलती हो जाए, तो अगर हो जाती है तो फिर उसको आप दूर कैसे कर सकते हो. ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने माइंड में आप छोटे छोटे कामों के साथ सोचना शुरू कर दो तो इवेंचुअली आपके थिंकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाती है. बिल्ड चेक्स इन टू योर रूटीन. अपनी जो भी आपकी रूटीन है उसमें आप छोटे छोटे चेक्स रखें, आप देखें कि ये काम आप ठीक से कर रहे हैं, ये काम आप ठीक से नहीं कर रहे हैं. उसको इवेल्युएट करने के लिए आपको ना कोई टास्क एक और अपना रख दें कि आप देख लें कि आपने पिछले काम सारे ठीक किए हैं. ठीक है जी, तो चेक्स जो है आप अपनी रूटीन में आप जरूर रखें. आस्क इफ यू डोंट नो, और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप पूछें. ठीक है जी, जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, आप पूछेंगे तभी आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा कि चीज़ है क्या, तो
ask if you don't know, आप पूछेंगे क्या है. जो लोग भी अगर किसी बड़े लेवल तक पहुंचे हैं तो वो खुद से नहीं पहुंचे सारा कुछ करके, वो भी लोगों से पूछ के हेल्प लेके कुछ ना कुछ करके ही पहुंचे हैं. आप अगर किसी से पूछ लेंगे तो अगले की नॉलेज सुननी कम होगी, आपकी नॉलेज यकीन जरूर इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है जी, तो इसलिए ये कुछ चीजें हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग क्लिनिकल रिस्क. अब ये है कि आपके पास क्लिनिकल रिस्क जो है उनकी मैनेजमेंट किस तरह से. क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इज कंसर्न्ड विद इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइंग द सर्कमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटीज दैट पुट पेशेंट एट रिस्क ऑफ हार्म एंड एक्टिंग टू प्रिवेंट और कंट्रोल दिस कंट्रोल दोज रिस्क. ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट भी आपके पास उसी तरीके से जैसे हम पेशेंट सेफ्टी के बारे में बात करें हैं, इसका गोल भी वही है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जो हेल्थ केयर सर्विसेज की सेफ्टी है और उनकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए. इम्प्रूव कैसे करेंगे कि जो भी आपके पास इस तरह की कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं या ऐसी कोई भी इस तरह के इवेंट्स हैं जो कि पेशेंट को एट रिस्क पे रख सकते हैं किसी भी वजह से, आप उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट के जो कुछ स्टेप्स हैं वो यही हैं कि आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करें, असेस द फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी ऑफ द रिस्क. आप देखें कि रिस्क कितनी दफा हो रहा है, ये जो भी आपका था इसके चांसेस कितने ज्यादा हैं, सिवेरिटी कितनी है. रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क, उसके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाएं जिससे आप रिड्यूस कर सकें या एलिमिनेट कर सकें इस तरह के किसी रिस्क को. और कॉस्ट द रिस्क, और उस रिस्क के आपके पास कॉस्ट क्या होगी आप उसको भी देख सकें. नॉलेज रिक्वायरमेंट में आपके पास चीजें क्या है, द एक्टिविटीज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क, फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग क्लिनिकल रिस्क. ये बेसिकली इस तरह की कुछ चीजें हैं, इस तरह की कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप रिस्क के बारे में इन्फॉर्मेशन किस तरह से गैदर कर सकते हैं, आप फिटनेस टू प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या है, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है रिस्क क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट की. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करो तो वो ये है कि नो हाउ टू रिपोर्ट नोन रिस्क और हैजर्ड्स इन द वर्कप्लेस. कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी रिस्क हैं या जो भी हैजर्ड्स हैं आप उनको वर्कप्लेस पे रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उनका कंप्लीट और एक्यूरेट जो है मेडिकल रिकॉर्ड आप किस तरह से रख सकते हैं, नो व्हेन एंड हाउ टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अ सुपरवाइजर सीनियर क्लिनिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब और किस तरह से किसी भी सीनियर से आपने हेल्प लेनी है, उससे पूछना है. पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स दैट डिस्कस रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी, इस तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें, इस तरह की जो भी सेमिनार्स होते हैं वर्कशॉप्स होती हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करती हैं और पेशेंट सेफ्टी को भी डिस्कस करती हैं. रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू पेशेंट एंड फैमिलीज आफ्टर एन एडवर्स इवेंट. किसी भी एडवर्स इवेंट के बाद जो है आप पेशेंट को और उसकी फैमिली को किस तरह से इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं बता सकते हैं वो आपको आना चाहिए. एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कंप्लेंट्स. कोई भी कंप्लेंट्स अगर आपके पास आती हैं तो आप उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. ब्लेम नहीं कर सकते, आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं. क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में आपके पास अब कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो के हैं कि इंसिडेंट मॉनिटरिंग, सेंटिनल इवेंट्स, रोल ऑफ कंप्लेंट्स इन इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर, कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स वेयर द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल, क्रोनियल इन्वेस्टिगेशन है, फिटनेस टू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स है, क्रीडेंशलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, एक्रीडेशन है. ये बेसिकली सारी वो एक्टिविटीज हैं जो कि कोई भी बॉडी जो है यानी कोई भी सिस्टम जो है वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी पेशेंट सेफ्टी या पेशेंट क्वालिटी को हम अगर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हेल्थ केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसको उसके काम करने के लिए जो है ये सारी एक्टिविटीज जो है वो की जा सकती हैं. ठीक है जी. अब इन एक्टिविटीज में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं. इसमें आपके पास जो क्रीडेंशलिंग या रजिस्ट्रेशन एक्रीडेशन वाला काम है, ये बेसिकली कोई ना कोई एक ऐसी हायर बॉडी होती है, हायर अथॉरिटी होती है जो किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को जो है इस तरह से एड्रेस करती है, उनके पूरा चेक एंड बैलेंस रखती है, उनको आगे चेक करती है कि इनके पास एडमायर्स पूरे हैं, अगर कोई भी एडवर्स इवेंट के केसेस में इनके पास सारी टीम पूरी है, सारे इक्विपमेंट्स पूरे हैं, तो वो फिर उसके बाद जाके आपके सिस्टम को जो भी आपका हेल्थ केयर सर्विस है उसको या तो कोई ना कोई ग्रेड दे देते हैं, कोई ना कोई डिग्री दे देते हैं, कोई ना कोई एक्रीडेशन प्रोवाइड कर देते हैं, या ये कर देते हैं कि मतलब ये अप्रूव्ड इदारा है या जो भी है ये काम जो है ये ठीक तरीके से कर रहा है. इसमें कैटेगरीज भी हो सकती हैं. ठीक है जी. तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं ये आपके क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में आती हैं. कंप्लेंट्स और कंसर्न्स भी हैं जी, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, आपने उस तरह की एक्टिविटीज को भी देखना है. पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग रिस्क में पर्सनल अकाउंट्स में क्या, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी में क्या चीज़ें आती हैं, द रोल ऑफ फटीग एंड फिटनेस टू प्रैक्टिस, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वर्क एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सुपरविजन है या कम्युनिकेशन है, इस तरह की भी चीज़ें हैं जो पर्सनली आप अकाउंटेबल हो इन चीज़ों के लिए और आप जो है रिस्क मैनेजमेंट में इनसे हेल्प ले सकते हो, सुपरविजन से, कम्युनिकेशन से, जो भी आपका वर्क एनवायरमेंट है उससे, जो भी स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आप बात करके पूछ कर सकते हो. एंगेजिंग विद पेशेंट्स एंड केयरर्स, के अंडरस्टैंड द वेज इन विच पेशेंट्स एंड केयरर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड एज पार्टनर्स इन हेल्थ केयर, बोथ इन प्रिवेंटिंग हार्म एंड लर्निंग एंड हीलिंग फ्रॉम एन एडवर्स इवेंट. अब इसमें आपके पास क्या है,
कि आपने कुछ इस तरह के तरीके ढूंढने हैं जिससे पेशेंट्स भी और जो केयरर्स हैं यानी जो उनके केयर गिवर्स हैं वो इन्वॉल्व होके पार्टनर्स की तरह जो है वो काम कर सके हेल्थ केयर में, जो कि हार्म को प्रिवेंट कर सकें, उसे लर्न कर सकें और कोई भी अगर एडवर्स इवेंट हो चुका है तो उसे हील कर सकें, ठीक है। यानी कि पेशेंट को भी आपने फिर बीच में इन्वॉल्व रखना है इस तरह के केसेस में। नॉलेज रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या है कि बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक है, इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर्स हैं, द बेसिस ऑफ ओपन डिस्क्लोजर है। इनमें से कुछ चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओपन डिस्क्लोजर को भी हम अभी देखते हैं। एक्टिवली इनकरेज पेशेंट्स एंड केयरर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं कि पेशेंट्स को इनकरेज करें, जो आपके केयर गिवर्स हैं उनको इनकरेज करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, एडवर्स इवेंट है, उसको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। शोज एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट एंड केयरर्स, उनको जो केयरर्स हैं और पेशेंट्स हैं उनके लिए आप रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और एम्पैथी शो करें। कम्युनिकेट्स इफेक्टिवली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी को मनाने वाला तरीका होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट इस तरह का है जो बात नहीं मान रहा या कुछ भी है, कोई भी इस तरह का सीन है, तो आपकी एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स इस मामले में अच्छी होनी चाहिए। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट की इंपॉर्टेंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Shows respect for each patient's differences, religious and cultural beliefs and individual needs. जो भी patient है उनके जो differences हैं, चाहे वो religious हों, cultural हों या beliefs हों, आप अगर clinical setting में जाओगे कई तरह के, different तरह के आपको patients देखने को मिलेंगे, तो आप उनको जो है respect आपने कैसे देनी है, ठीक है जी, ये आना चाहिए। Describe and understand the basic steps in open disclosure process, जो भी open disclosure process है उसके जो basic steps हैं वो क्या होने चाहिए। और अप्लाई पेशेंट इंगेजमेंट थिंकिंग इन ऑल क्लिनिकल एक्टिविटीज, पेशेंट इंगेजमेंट वाली जो भी जितनी भी आपके पास थिंकिंग है कि अभी जो हम लोगों ने बात की कि पेशेंट को आप किस तरह से इंकरेज कर सकते हो, इन्वॉल्व कैसे कर सकते हो, तो ये आपको जितनी भी क्लिनिकल एक्टिविटीज हैं आपको इसमें इंगेज करना पेशेंट को आना चाहिए। डेमोंस्ट्रेट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्लेस ऑफ पेशेंट एंड केयर इंगेजमेंट एंड गुड क्लिनिकल मैनेजमेंट, आप जो है कि पेशेंट की जो भी जगह है वो और जो भी आपका केयर गिवर है उसकी जो इंगेजमेंट है पेशेंट के साथ किसी भी अच्छे क्लिनिकल मैनेजमेंट सेटिंग के लिए कितनी जरूरी है, ये सारी चीजें जो है वो आपको डेमोंस्ट्रेट करना आनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी गेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट से क्या मतलब है कि द डायग्नोसिस, द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन द डायग्नोसिस, रिस्क इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट, यानी वो सारी चीजें हैं कि इन्फॉर्म कंसेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कि आपने पेशेंट को बतानी है, ठीक है जी। उसमें ये कि पेशेंट को आप उसका डायग्नोसिस बताएं, उसके बाद आप उसको ये बताएं कि जो भी अगर डायग्नोसिस है उसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, मतलब हो सकता है कि हमें मजीद कुछ टेस्ट करने पड़े उसके बाद हम फाइनल कर सकेंगे डायग्नोसिस क्या है। जो भी ट्रीटमेंट आपने करना है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो अगर सपोज करें अगर कैंसर पेशेंट है उसमें कीमोथेरेपी है, उसमें रेडियोथेरेपी है, उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क हैं आपने वो बताने हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द रिस्क ऑफ नॉट हैविंग द ट्रीटमेंट, आप पेशेंट को ये बताएं कि अगर वो इलाज करवा लेता है तो उसको फायदा ये होगा, अगर नहीं करवाएगा तो उसको ये नुकसान होगा, तो ये चीज़ें आपने पेशेंट को गाइड करनी है। इन्फॉर्मेशन ऑन रिकवरी टाइम, जो प्रॉपर रिकवरी टाइम है उसके बारे में पेशेंट को सही सही गाइड करें, गलत गाइड ना करें इस तरह कह करके जी आप बस ये करवा लें तो उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह नहीं है। पेशेंट की कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप जो भी एक्यूरेट टाइम है, जो भी आपके ख्याल में जो सही होना चाहिए, आप पेशेंट को उसके बारे में गाइड करें। नेम, पोजिशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स हु आर प्रोवाइडिंग द केयर एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट को जो भी बंदा उसका इलाज कर रहा है, चाहे डॉक्टर से लेकर फिजिशियन से लेकर जो भी उसका सर्जन है वहां तक, उसको सबके जो है एटलीस्ट बाय नेम पता हो, उनकी क्वालिफिकेशंस पता हो, मतलब पेशेंट को उस चीज़ के बारे में आइडिया हो कि कुछ जो लोग हैं जो इस काबिल हैं वही उसका इलाज कर रहे हैं, ताकि पेशेंट इस मामले में भी थोड़ा सा जो है वो ईजी गोइंग हो जाए। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ एनी सर्विस रिक्वायर्ड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और उसके बाद फाइनेंशियली भी आप पेशेंट को गाइड करें कि इस तरह से बाद में भी आपको इन चीजों के ऊपर आपको कुछ खर्चा आ सकता है। ये सारी चीजें किसी भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें बताने के बाद फिर आप जो है पेशेंट जो है वो कंसेंट उसका ले सकते हैं। अब आपके पास एक स्टेज फ्रेमवर्क है, इसके हिसाब से क्या है कि सेट द स्टेज, एलिसिट इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव एंड एंड द एनकाउंटर। यानी ये बेसिकली आपके पास जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने का एक फ्रेमवर्क है कि आप किस किस तरीके से जो है वो पेशेंट को गाइड करके उसे जो है एक प्रॉपर मेथड के थ्रू काम कर सकते हो। सेट द स्टेज, पहले आप स्टेज सेट करें, पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दें, सारी इन्फॉर्मेशन पहले पेशेंट से लें, फिर पेशेंट को दें, उसको उस बारे में बताएं, ठीक है जी। पेशेंट का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें कि पेशेंट क्या बात कर रहा है, उसके बाद अपना एनकाउंटर जो भी आप उसको एंड कर दें। कल्चरल कॉम्पिटेंस में क्या चीज़ आती है कि अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल जो भी डिफरेंसेस हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें, अपनी कल्चरल वैल्यूज का आपको पता हो, जो सामने वाला है उसकी कल्चरल वैल्यूज उसको समझने की कोशिश करें। जी जी मैम, पिछली स्लाइड से दोबारा बता दें प्लीज, एक मिनट।
जी बेसिकली ये आपके पास जो फ्रेमवर्क है सारा ये SEGUE ठीक है जी, ये अब हर वर्ड से आपके पास एक एक फिनोमेना बन रहा है, एक पूरा आपके पास मेथड बन रहा है कि आप किस तरह से जो भी इन्फॉर्म कंसेंट की आपकी सारी जो काम है कि आपने पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट किस तरह से लेना है, आप उसके किस तरह से काम कर सकते हो। सेट द स्टेज, पहले पेशेंट से जाकर मिले, उसको सारी बताएं कि अच्छा आप बीमार हैं, पहले उसका हाल चाल पूछें, इस तरह करके आप एक स्टेज सेट करें बातचीत करने का जो है, यानी आप उसे एक प्रॉपर एनवायरमेंट बनाएं, एलिसिट इन्फॉर्मेशन, गिव इन्फॉर्मेशन, पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दें, पेशेंट से उसके बारे में पूछें कि उसको उस बीमारी के बारे में क्या पता है और पेशेंट के हिसाब से यानी उसको वो क्या क्या सोच सकता है कि उसके इलाज में जो है वो क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या हो सकता है, नहीं पेशेंट तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसको दें, ठीक है जी। उसके बाद ये कि उसको जो भी उस इन्फॉर्मेशन जो वो रिक्वायर्ड है, जो भी उसके क्वेश्चन है उनको आप आंसर करें, पेशेंट का पर्सपेक्टिव समझें, पेशेंट क्या करवाना चाह रहा है, पेशेंट अपने इलाज के बारे में जो है वो करवाना भी चाहता है कि नहीं चाहता, किसी प्रेशर में आके तो नहीं रुकवा रहा है, क्या है, आप पेशेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसको समझाने की भी कोशिश करें, और देन एंड द इनकाउंटर, ये बेसिकली फ्रेमवर्क है आपका इन्फॉर्म कंसेंट गेन करने का, ठीक है जी। फिर हमारे पास कल्चरल कॉम्पिटेंस है जी, इसमें वही बात है कि कल्चरल वैल्यूज को समझें, उनके डिफरेंसेस को समझें, अंडरस्टैंड एंड पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड, के ये वही बात है डिफरेंसेस को समझने की, कि डिफरेंट लोग जो हैं उनका दुनिया को देखने का नजरिया फ़र्क हो सकता है, आपका फ़र्क है, अगर कोई बंदा किसी और इलाके से उसका जो तरीका है वो देखने का फ़र्क हो सकता है, अंडरस्टैंड करें ना कि उसको अपनी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो पढ़ाने लग जाए ना कि उसकी सीखने लग जाए, लेकिन अंडरस्टैंड करें कि ठीक है वो डिफरेंट हो सकता है। नो दैट कल्चरल बिलीव्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो कल्चरल बिलीव्स हैं ये आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। Be willing to fit in with the patient's cultural or ethnic background. जो भी patient का cultural या ethnic background है उसमें fit in होने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और फिर patient को उससे related समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से उसकी जो सेफ्टी है या जो उसका इलाज है वो किस तरह से उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अभी आप जब क्लिनिकल सेटिंग में जाएंगे तो आप काफी पेशेंट इस तरह के देखेंगे जो कि डिफरेंट कल्चर से होंगे, उनके बिलीव्स और तरह के होंगे, वो नहीं मानेंगे, वो ट्रीटमेंट को नहीं मानेंगे, दवाइयों को नहीं मानेंगे, काफी कुछ बहस भी बाकायदा इस चीज में होती है, लेकिन फिर वही बात है कि आपने उनसे आगे से बहस में नहीं पड़ना बल्कि उनको समझाने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है और जो भी जिस भी तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं को अपना इलाज करवा लें, तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है। पेशेंट रोल इन मिनिमाइजिंग एडवर्स इवेंट्स, पेशेंट का क्या रोल है जी एडवर्स इवेंट्स को मिनिमाइज करने में, पेशेंट वॉन्ट्स टू बी इन्वॉल्व इन देयर हेल्थ केयर बट इट डिपेंड ऑन अ टास्क, पेशेंट जो है वो अपनी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व होना चाहता है लेकिन क्या करता है, इट डिपेंड ऑन द टास्क, ये डिपेंड कर रहा है टास्क के ऊपर। पेशेंट वेर कंफर्टेबल आस्किंग अबाउट अ मेडिकेशन पर्पस, nearly half were very uncomfortable about asking healthcare workers whether they had washed their hands. आप यानी ये टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा आप पेशेंट को किस हद तक इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे यानी एक किसी रिसर्च के हवाले से लिखा गया कि अगर आप किसी भी मेडिकेशन का पर्पस यानी पेशेंट जो है किसी भी मेडिकेशन का पर्पस पूछने के हिसाब से तो वो बड़े कंफर्टेबल थे, यानी वो पूछ रहे हैं कि दवाई आप मुझे किस लिए लगा रहे हैं, दवाई क्या काम करती है, वो पूछने में तो बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन क्या है कि जब कुछ इस तरह के पेशेंट जो है नियरली हाफ यानी 46% पेशेंट्स वर वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट आस्किंग हेल्थ केयर वर्कर्स वेदर दे हैड वॉश देयर हैंड्स, कि मतलब वो हेल्थ केयर वर्कर से ये पूछने में ये चीज पूछने में ये क्वेश्चन पूछने में बड़े अनकंफर्टेबल थे कि उन्होंने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं, ठीक है जी। यानी टास्क के ऊपर डिपेंड करे कि पेशेंट जो वो कितना इन्वॉल्व होना चाह रहा है अपनी हेल्थ केयर के बीच में, ठीक है। ये आप पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ क्वेश्चन वो इजीली पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो उस तरह से नहीं पूछ सकते, ठीक है जी। अब हमारे पास ओपन डिस्क्लोजर के काम आती है। ओपन डिस्क्लोजर क्या है कि इन्फॉर्मिंग पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज ऑफ बैड आउटकम्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बैड आउटकम्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिजीज और इंजरी बीइंग ट्रीटेड। अब आपके पास क्या है ओपन डिस्क्लोजर में, क्या है कि बेसिकली ये है कि आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को जो भी बैड आउटकम है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का आपने उससे उनको किस तरह से इन्फॉर्म करना है, ठीक है जी। यानी यूजुअली होता है कि पेशेंट को यानी आपने को बुरी खबर देनी है कि आपका मरीज अब नहीं बच सकता या जो भी है इस तरह की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने पेशेंट को उसकी फैमिली को किस तरह से इस तरह की न्यूज ब्रेक करनी है, ठीक है जी। और जो भी डिजीज या जो भी इंजरी उसको हुई है जिसको आप ट्रीट कर रहे हो उसके जो भी बैड आउटकम्स हैं उस तरह से यानी वो सारी चीजें जो है वो आप पेशेंट से उसकी फैमिली से किस तरह से डिस्कस कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके ओपन डिस्क्लोजर में आती हैं। ओपन डिस्क्लोजर के आपके पास की प्रिंसिपल्स क्या हैं कि ओपननेस एंड टाइमलीनेस ऑफ कम्युनिकेशन, के कितने आप ओपनली बात कर सकते हो और किस और कौन सा टाइम एक्यूरेट है वो बात करने का, ये नहीं कि पेशेंट अभी इलाज कराने आपके पास आया और शुरू में ही बगैर कुछ पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हुए या उसको देखे बगैर उसको समझे बगैर, बेशक आपका एक्सपीरियंस बहुत है आपको बहुत आइडिया है कि ये इस पेशेंट ने नहीं इसका इलाज पॉसिबल है या जो भी है, लेकिन एक टाइम लिमिट एक टाइम फ्रेम को आपने फॉलो करना है ताकि पेशेंट को भी इस चीज़ की तसल्ली हो कि उसका इलाज शुरू हुआ था उसको देखा गया उसको प्रॉपर टाइम दिया गया,
एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट है उसकी एक्नॉलेजमेंट हो, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट या अपोलॉजी, जो भी कोई भी अगर एरर की भी अगर बात करें या इवन पेशेंट से रिलेटेड जो भी किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इस तरह की थॉट है या कोई भी नेगेटिव आउटकम आपने उसको बताना है, तो आप उसको मतलब रिग्रेट के साथ, किसी भी अपोलॉजी के साथ जो है पेशेंट को एक्सप्लेन करें और उसकी फैमिली को. रिकग्निशन ऑफ द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट एंड देयर सपोर्ट पर्सन, यानी जो भी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पेशेंट की और जो भी उसके सपोर्टिंग फैमिली है उनको, मतलब आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है जी. सपोर्ट फॉर स्टाफ, स्टाफ की सपोर्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ओपन डिस्क्लोजर के लिए. अब यहाँ पे जो है ओपन डिस्क्लोजर न्यूज हेल्थ के वाले से जो है एक उसके बारे में सारे उसके की प्रिंसिपल्स और उसकी जो है वो बेसिकली ये समझ लें कि एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि Open disclosure is a frank discussion with the patient and their support person about a patient-related incident that may have resulted in harm or injury to the patient. इसके open disclosure से मतलब यही है कि कोई भी ऐसा incident जो है जो कि किसी भी patient के लिए कोई भी result कर सकता है किसी भी harm या injury के case में, तो आपने उसके बारे में open discussion या frank discussion जो है किस तरह से करनी है patient के साथ या उसकी जो भी immediate family है, जो भी बंदा उस time उसके साथ है वो. ठीक है जी. ओपन डिस्क्लोजर प्रोसेस का आपके पास एक फ्लो डायग्राम है कि इंसिडेंट हो गया है, इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, उसकी कुछ रेटिंग्स हैं, आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है, रिस्पांस अब आप कैसे दे सकते हो, जनरल लेवल रिस्पांस क्या हो सकता है और हाई लेवल रिस्पांस क्या हो सकता है. ये वाला टास्क से मेरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को देना चाहिए कि जो फ्लो डायग्राम है ओपन डिस्क्लोजर प्रोसेस की, ये आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको पढ़कर आना है. ठीक है, इसको स्टडी करके आना है कि ओपन डिस्क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, इसके जो की प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या है, और जो फ्लो डायग्राम है इसके हिसाब से अगर जब आप काम करते हैं तो आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है. ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए टास्क है, इसको मैं आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दूंगी आपके उसमें. फिर अब अगर हार्वर्ड के हिसाब से फ्रेमवर्क की बात करें, जो भी सारा इन चीज़ों से रिलेटेड है, एरर से रिलेटेड है, वो क्या है, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं या जो भी ओपन डिस्क्लोजर है, इनसे रिलेटेड क्या है कि प्रिपेयरिंग, इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन, प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स प्रेजेंट करें, एक्टिवली लिसनिंग सुने, एक्नॉलेजिंग व्हाट यू हैव हर्ड, जो भी आप लोगों ने सुना है उसको एक्नॉलेज करें, रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चन, जो भी पेशेंट के क्वेश्चन हैं, कंसर्न्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करें, और जो भी कन्वर्सेशन है उसकी कंक्लूजन की तरफ आए, और डॉक्यूमेंटेशन, और ये आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ताकि जो भी इंसिडेंट एक दफा अगर हो गया है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगा तो नेक्स्ट टाइम जो है आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं. स्पाइक्स का बेसिकली क्या है कि ये भी आपके पास एक मेथड है मैनेजमेंट के लिए कि शार्पन योर लिसनिंग स्किल्स, के अपनी जो भी लिसनिंग स्किल्स हैं आप उनको शार्प करें. आपको पता होना चाहिए आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह से आपने जो भी सुना है वो आप उसको परसीव आप किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए. पेशेंट की बातों को आप गलत इंटरप्रेट नहीं करें. पे अटेंशन टू पेशेंट परसेप्शन, पेशेंट की जो भी परसेप्शन है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, चाहे अपने इलाज से रिलेटेड है, चाहे जो भी गलतियां होगी उनसे रिलेटेड है, उसको आप अंडरस्टैंड करें. इन्वाइट द पेशेंट टू डिस्कस डिटेल्स, वही बात है, पेशेंट को इन्वॉल्व करें, सारे उसको इंगेज करें. नो द फैक्ट्स, आपको खुद भी फैक्ट्स पता होने चाहिए. एक्सप्लोर इमोशन एंड डिलीवर एम्पैथी, एम्पैथेटिक हो पेशेंट के साथ, सिंपैथेटिक ना हो, पेशेंट का दर्द समझने की कोशिश करें लेकिन उसके साथ मजीद दुखी ना हो जाए, बढ़ाने की कोशिश ना करें. स्ट्रेटेजाइज नेक्स्ट स्टेप्स विद पेशेंट और फैमिली, यानी जो भी अब जो भी हो चुका है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, चाहे वो उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो जो भी एडवर्स आउटकम है उससे रिलेटेड है, आप उनको जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको स्ट्रेटेजाइज कैसे कर सकते हो, आपकी अगली स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्या होनी चाहिए. ठीक है जी, ये अब आपका था आज का लेक्चर. इसमें से आप लोगों को करने वाला काम ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने जो ये फ्लो डायग्राम है ओपन डिस्क्लोजर प्रोसेस की, आप लोगों ने इसको पढ़कर आना है. ठीक है जी, इसमें अब आपके पास दो तरह के रिस्पांस हैं. मैं आप लोगों से पूछूंगी जी हाई एंड रिस्पांस किस तरह का है, हाई लेवल रिस्पांस, और आपके पास जो जनरल लेवल रिस्पांस है वो किस तरह का होना चाहिए, और ओपन डिस्क्लोजर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, बेसिकली कोशिश ये करेंगे अब ऐसा ऐसा हम अपने जो सबसे पहले तो हम पेशेंट सेफ्टी के सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली चीजें ही पढ़ रहे थे. ठीक है, वो कुछ चीजें हमारे पास रिपीट भी हुई थी, डेफिनेशंस वगैरह. अब ये लेक्चर 5 से ऑनवर्ड्स जब हम जरा स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ मुश्किल हैं, कुछ जो अभी हम लोगों ने इस तरह के पढ़े हैं जैसे फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं, आप लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछूंगी, मैं सुनूंगी. ठीक है, तो आप इनको पढ़ें, इनको इनके बारे में सर्च करें, गूगल इस्तेमाल करें, नहीं समझ आती मेरे से पूछें, मैं आप ईमेल कर लें मुझे, मैं आपको उस पर जवाब दे दूंगी. ठीक है जी, इनको खुद से भी थोड़ा सा देखें और इनको पढ़ने की कोशिश करें. ठीक है जी मैम, कितने टोटल लेक्चर्स हैं इसके बेटा? टोटल 10 लेक्चर्स हैं मैम. कोई क्विज वगैरह नहीं होना इसका? इसका नहीं अभी तक, तो इसका सिर्फ फाइनल होता है. ये आपका 1 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है. ठीक है जी, इसका फाइनल होता है
और फाइनल में क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके के आते हैं, थोड़े से कुछ सिनेरियो बेस्ड आ जाते हैं, जैसे अभी जैसे हमने चीजें पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट के लिए जो है जो अभी हमने ये चीजें पढ़नी है, ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी है कि कोई भी अगर आपसे एडवर्स इवेंट हो गया है तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसमें इसी तरीके की टर्म्स थी। जैसे अब आज हम लोगों ने पढ़ा है जी कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें जो वो हॉल्ट वाला था फैक्टर एक, कि आप हॉल्ट वाली चीज को आपने मद्देनजर रखना है, आपने फिर वो आई एम सेफ वाली चीज को देखना है, अपने से रिलेटेड जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो क्या हो सकती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टीम प्लेयर के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकती है, ठीक है, तो इसके आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। तो इसको का जो सब्जेक्ट होता है इसके होते एमसीक्यूज ही है, एमसीक्यूज कम ही होते हैं, तो इसका आपके पास फाइनल ही होगा सिर्फ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होंगी या आगे कैंपस में भी होंगी? अभी तक तो ऑनलाइन ही है पेशेंट सेफ्टी की क्लासेस, जब भी ऑन कैंपस होनी होंगी तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब आपके ऑन कैंपस है, आप आ जाएं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये है कि आप लोगों की अटेंडेंस काफी शॉर्ट जा रही है काफी लोगों की, तो कोशिश करें कि लेक्चर्स लें, तो ये बाद में फिर आपसे पूरी नहीं होनी है, ठीक है, और मैंने इस तरह पूरी नहीं करनी, मैं उन्हीं लोगों की अटेंडेंस लगाऊंगी जो कि लेक्चर्स में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से अटेंडेंस जो है मैं बिल्कुल लगाऊंगी। मैम मैंने आपको अपना इशू बताया था सारी रिकॉर्डिंग्स है और आपके जो भी लेक्चर्स है उनकी जूम की लिंक्स भी वहाँ पे शेयर है, तो मैं जी मैम मुझे पता है मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने मुझे कहा था कि पहले जो लेक्चर्स की स्टार्टिंग की ना मेल आई थी आप लोगों को, तो वो मेल नहीं आई थी, मैंने ना वैसे ग्रुप में भी जैसे एक मैम महीन की क्लास हो रही थी तो मैंने पूछा था कि आपका कि इस मैम की जो क्लास हो रही है एसईपी 2 सेक्शन बी की क्लास हो रही है, बच्चों ने कहा नहीं हो रही है, अभी नहीं होनी और जब होगी तो वो पता चल जाएगा, तो वो फिर मैंने वेट, फिर मैंने ना अचानक वैसे ही एलएमएस खोला था और मैंने सारा देख ली थी ना अपना एलएमएस ने पोर्टल खोला, तो उसमें मेरी 2 में एब्सेंट मार्क हुई हुई थी। तो बेटा अब इसमें मेरी कहाँ पे गलती, आप मुझे ये बता दें। नहीं मैम मुझे ना मेल ही नहीं आई थी ना, तो मुझे कैसे पता चलता आपकी गलती नहीं। आपने अपना कोर्स एनरोल किया है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कोर्स एनरोल किया है, आपके एलएमएस पे शो हो रहा है हर जगह पे, आपको कहीं ना कहीं तो नाम आ ही रहा होगा ना इसका, तो आपको तो इस चीज में खुद विजिलेंट होना चाहिए, या मैं घर से पकड़ पकड़ के जो है वो आपको मतलब कहूँ कि आप प्लीज क्लासेस ले लें या प्लीज आप लेक्चर सुन लें, ऐसा तो नहीं की थी आपने जी। लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं आपने इसकी मेल नहीं की थी? लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं मैंने इसकी ईमेल भी की थी, उसके बाद लेक्चर्स में भी मैंने ये चीज इतनी दफा बताई है कि मैं लेक्चर्स में जो है वो सारा कुछ आपका मैं अब हर क्लास के लिए पहले उसे ईमेल नहीं करती हूँ, सारा कुछ आपका पहले वाली उस टाइम पे ये हो सकता है कि ये यकीनन हो सकता है कि आप या तो उस टाइम मेरे पास एनरोल नहीं हो गए एलएमएस के ऊपर, इस वजह से आपको ईमेल नहीं गई है या कुछ भी, हाँ जी, लेकिन इस चीज पे आपको भी विजिलेंट रहना चाहिए कि आपने जब भी कोर्स एनरोल किया है तो अगर उसकी क्लासेस हो रही है नहीं हो रही, इस चीज के बारे में आपको भी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जी मैम मैंने देखा था, मैंने सब बच्चों से, मैंने मैम महीन कह रही थी ना, मैम महीन थोड़ा सा वो कर देती हैं, हेल्प कर देती हैं, वो किसी टीचर से उन टीचर से ना बात कर लेती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल लेक्चर नहीं ले रही ना तो अगर वो आपसे कांटेक्ट में होंगी ना तो वो बात कर लेंगे अगर मैं उनको कहूंगी, तो वो मैंने उन्हीं से बात की थी। और एसईपी 2 वगैरह तो मेरे पास मेरी वैसे भी नहीं हो रही है, ठीक है, यानी वो मेरे पास सब्जेक्ट भी नहीं, जो भी आप बात कर रही हैं, तो लेकिन ये कि सब्जेक्ट्स जो है इनको आप लोगों ने खुद देखना, अगर आप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अगर एक कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो आप उसके बारे में खुद भी जरा इन्फॉर्मेशन रखा करें कि वो क्या है, क्योंकि मैंने तो मेरे पास आप एलएमएस पे हो, मैं लेक्चर्स उस पर डाल लूँ, सब कुछ डाल लूँ, बाद में इतने 5-6 लेक्चर्स गुजरने के बाद आप मुझे ये बात कर दो कि हमें पता ही नहीं चला, तो ये चीज़ मेरे एंड पे तो मेरा नहीं ख्याल किस चीज़ की गलती है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम ये टेंडर कर लें मैम, 1% बैटरी का फोन ऑफ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मैम, सॉरी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह मैम टेंडर 1% बैटरी है, ठीक है आप चले जाएं टेंडर में लगा दूंगी मैम, नमाज पे जा रहे हैं इसमें, मेरी भी लगा दें अटेंडेंस जो है वो मैं आप लोगों की इधर इस तरह से प्रेजेंट वगैरह नहीं है, मेरी भी लगा दें अटेंडेंस, जो भी जूम मीटिंग आप लोगों ने टाइम लगाया होता है कुछ 10-15-20 मिनट जो आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होता है उसके हिसाब से अटेंडेंस लगाती हूं, और 10 मिनट से या 15 मिनट से कम जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड किया है मैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाती,
ठीक है जी। मैम अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर शुरू से मिनट स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं शुरू से नहीं स्टार्ट होते, जो आपके ओवरऑल टोटल मिनट्स होते हैं वही काउंट होते हैं। मैम मेरी मीटिंग ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, पहले कनेक्ट की भी थी इंटरनेट इशू की वजह से, तो अटेंडेंस का कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं वो साथ हो जाएगी काउंट उसी तरीके से, मैंने बताया कि टोटल जो है वो काउंट हो जाती है जितने भी मिनट्स आपने अटेंड की। मैम जो हमारा शुरू का लेक्चर था ना, लेक्चर नंबर 2 जो था, मैम आपको उस वक्त बताया था कि हमारे उस वक्त मेजॉरिटी क्लास का क्या इशू हो गया था, तो मैम आपने कहा था कि आप ना मेकअप लेक्चर लेंगी तो उसमें हमारी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी वो वाला ना, तो मैम आप मेकअप लेक्चर कब लेंगी? मेकअप लेक्चर मैं इसी स्लॉट में लूंगी आप लोगों का, जब आप लोगों के ये वाले जो 10 लेक्चर है ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मेकअप लेक्चर्स मैं अलहदा से किसी और स्लॉट में लूंगी तो फिर आप लोगों के क्लैशेज आएंगे, क्योंकि वो हम लोगों के हमेशा ये मसला रहा है, ठीक है जी? तो जब हम लोगों के ये वाले 10 लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, यानी कि हमारा कोर्स अब यानी 5 लेक्चर्स और हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वाला जो टाइम है ना, इसमें जो है फिर हम मतलब मैं आप लोगों के एनिमेट्स वगैरह भी तब तक हो चुके होंगे, तो उसके बाद फिर मैं एक एक लेक्चर जो है ना वो मेकअप लेक्चर रख दूंगी इसी स्लॉट में इसी टाइम पे, ठीक है जी? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Lecture end कर रही हूँ, सही है, अल्लाह हाफिज़।